क्या हाल है मेरे प्यारे बहनों और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। ठीक ठाक हैं आप लोग? कैसे हैं? तबीयत से ठीक है। आज हम बनाने वाले हैं चावलों की रोटी। इसके लिए हमने बाउल के अंदर ये 2 कप चावलों का आटा ले लिया है। इसके अंदर हम पानी मिक्स करेंगे और पहले नमक मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसमें थोड़ा सा जाएगा, ये इतना सा। अब हम इसको मिक्स करेंगे नमक को अच्छी तरह से। आटे के अंदर अच्छी तरह से नमक मिक्स हो जाएगा। इसके अंदर पानी इतना डालना है कि ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। इस तरह से करते जाना है ताकि जो है ना इसकी गिल्टियाँ ना बने पानी की, आटे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह से चावल का जो आटा है ये माशाल्लाह से बिल्कुल ही खालिस है। आप इंशाल्लाह इसकी रोटी देखेंगे बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत और अच्छी बनेगी। बाज़ों का चावलों का आटा मिक्सिंग वाला होता है जिससे रोटी काली हो जाती है और उसके अंदर पोर्स भी नहीं बन पाते। पोर्स का मतलब ये होता है कि सुराख, उसके सुराख रोटी में जो सुराख बनते हैं, पोर्स बनते हैं चावलों की रोटी में, वो नहीं बन पाएंगे। तो ये माशाल्लाह से हमारा आटा बिल्कुल खालिस है। जब हम रोटी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके पोर्स भी बनेंगे इंशाल्लाह। ये आप देखें जी, माशाल्लाह से आटा को गाढ़ा गाढ़ा होने दें। ये इस तरह से देखें, ये इस तरह से करना है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये इस शेप में आ गया आटा। आपने इस शेप में ही रखना है। इसकी गिल्टी आप देखें, गिल्टियाँ जो हैं वो इंशाल्लाह भी आप ख़त्म हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है ना। इस तरह से बनाना है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। ये देखें कैसे बनाए, इस तरह से बनाना है आटा। हमें इस तरह से आटा चाहिए, हमें इसके अंदर गिल्टियाँ नहीं चाहिए। गिल्टियाँ होंगी तो फिर रोटी आपकी बिल्कुल सही नहीं बनेगी, ना ही पोर बनेंगे और टूट भी जाएगी, ठीक है ना जी। अब ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसकी गिल्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और बिल्कुल रोटा आटा जो है ना, बिल्कुल आटा, इसकी गिल्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है रोटी बनाने के लिए। अब हम रोटी बनाएंगे इंशाल्लाह जी। ये अब तवा गरम हो चुका है, इसके ऊपर अब हम चावलों वाली रोटी डालने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको ऐसा ऐसा हाथों से फैला दें। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको नज़र आ रहा है कि इसके पोर्स बन चुके हैं, देखा है ना। ये होती है खालिस आटे की निशानी, ठीक है ना। माशाल्लाह से देखें जी, कितने प्यारे खूबसूरत पोर बन चुके हैं। ये होती है खालिस आटे की निशानी। तो इसे हम अभी पकने देते हैं। साइड पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि ये चिपक ही ना जाए। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी खूबसूरत सी रोटी बन चुकी है, ठीक है ना। इसे अब हम टर्न आउट करने वाले हैं। ये देखेंगे पीछे भी सुराख, पोर बने हुआ सुराख है। यही खालिस आटे की यही निशानी होती है, ठीक है ना जी। इस तरह से ये देखेंगे चावलों की रोटी टूटी भी नहीं है। इसके ऊपर अब हम ऑयल लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको आराम के साथ टर्न आउट करेंगे। ये देखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जी, ये आप देखा करें, हमारे लिए दुआ किया करें। नमाज पर हैं, ठीक है जी, हमारे लिए दुआ करें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आए हैं। ये बहुत ही एक मुश्किल काम था चावलों की आटे की रोटी बनाना। आप देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी खूबसूरत सी बनी है। इसी तरह से आप हमारी हिदायत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम खानों में लज्जत, भरपूर लज्जत लज्जत पैदा होगी। ये माशाल्लाह से आप देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है।
माशाल्लाह से देखें जी, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत रोटी बनी है, देखें। ठीक है ना, इसके पोर्स वाजे तौर पे नज़र आ रहे हैं, अभी पोर्स बने हुए हैं। ये होती है खालिस आटे की निशानी। बाज़ोकात आटा मिक्सिंग वाला होता है जिससे आपकी रोटी काली भी हो जाती है और पोर्स भी नहीं बनते। ठीक है ना जी, हमें दुआओं में याद रखें और हमारे लिए दुआ किया करें, नमाज पढ़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, देखें, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। आप खाएंगे और इंशाल्लाह हमें याद करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अब सीज़न आने वाला है साग का, उसके साथ ये चावलों वाली रोटी बहुत ही अच्छी लगती है और ये जनूबी पंजाब की सौगात भी है।